के ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर है। सो आज हम लोग फैन टूल के बिल्कुल बॉटम पे एंकर पॉइंट टूल को देखने जा रहे हैं। और जिस तरह से लास्ट लेक्चर में मैंने ऊपर भी पेन किया है पैन टूल, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल को आप देख सकते हैं। सो आज हम लोग एंकर पॉइंट टूल को देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं इलस्ट्रेशन के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन टूल लिखे और मैंने एक अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अभी फ़िलहाल पैन टूल आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई भी टूल दिखता है लाइक एक्स, इस मीन दैट कि आपके कीबोर्ड में कहीं ना कहीं कैप्स लॉक की ओपन हुई भी है। तो आप उस कैप्स लॉक की को अगर बंद करते हैं तो ये वापस से अपने आइकन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके कीबोर्ड की कैप्स लॉक की जो है वो बंद हो जब आप रजिस्ट्रेशन पर काम कर रहे हो। सो इसी तरीके से मैंने पैन टूल से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ और पॉइंट को पॉइंट के साथ मैंने मिला के मर्ज कर दिया एंड लाइक दैट, ठीक है। सो मेरी आउटलाइन बन है और फिल मेरा एक्टिव है। इसी के साथ मैं इसको रीसेट कर देती हूँ, इन्वर्स कर देती हूँ और अब मैं आती हूँ यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल में। जैसे आप एंकर पॉइंट टूल को एक्टिव करते हैं आप ऊपर देखेंगे प्रॉपर्टी के अंदर एक पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर्स। जिस भी पॉइंट को रख के री एडिट करना है, आपके पॉइंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं एंकर पॉइंट्स में। जिस तरह भी आप शेप को रीसाइज करना चाहते हैं आप अपनी शेप को रीसाइज ईजिली कर सकते हैं, जिस तरीके से भी करना चाहें, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, माइनस का मतलब ये अगर आप डिलीट करना चाहते हैं उस एंकर पॉइंट को तो आप उस पे रख के उस एंकर पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर आप यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टी पर तो यहाँ पर भी आपके कर्विंग पॉइंट्स हैं और आप उन कर्विंग पॉइंट से ज़रिए एंकर पॉइंट के ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ पर भी रोटेट कराना चाहें, आप शेप को री एडिट करना चाहें तो आप ईजिली कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अगैन पैन टूल पर आ रही हूँ एंड अगेन आई एम ड्रॉ रैंडम इमेज, ये रैंडम शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। ड्रॉ करने के बाद आप उसकी अलाइनमेंट जहाँ करना चाहें, आप वर्टिकल अलाइन करना चाहें, आप उस एंकर पॉइंट के ज़रिए उस अलाइनमेंट्स को रोटेट करा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपके सामने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिखा है अलाइन टू सिलेक्शन या अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब इसका मकसद क्या है, आप अपने शेप को आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन करना चाहते हैं तो आप आर्टबोर्ड पे लगाएंगे चेक और आपका शेप टॉप बॉटम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपके आर्टबोर्ड पे ही होगा, ठीक है। और अगर आप अलाइन टू सिलेक्शन पे लगाएंगे सेम लाइक दैट, अभी क्योंकि वो एक्टिव नहीं है तो इसलिए वो वर्क आपको करके नहीं देगा। अलाइन टू सिलेक्शन का मतलब ये सिलेक्शन जो है वो आप बहुत सारे सिलेक्शन हैं तो आपके पेज के सेंटर में ही अपने आपको मूव कराती रहेगी। सो इसी तरीके से कुछ और चीज़ों को देखते हैं। और यहाँ पर हमने कन्वर्ट टू कर्व देख लिया, एंकर पॉइंट टू स्मूथ देख लिया। अगर आप एंकर पॉइंट को स्मूथ करना चाहते हैं आपने जस्ट वो सर्टेन एरिया सेलेक्ट करके रखा, एंकर पॉइंट से आपने उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया जिसको आपने स्मूथ करना है एंड देन आप उसको स्मूथ कर सकते हैं, देखिए ठीक है। आप कर्व करना नहीं चाह रहे, बस पॉइंट को सेलेक्ट करके रखें एंड आप स्मूथ एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली वो उस एरिया को स्मूथ में ले लेगा लाइक दैट। तो मैंने एक रैंडमली सी फेस बना लिया लाइक दैट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो आई होप एंकर पॉइंट शेप को री एडिट करने, शेप के अंदर पॉइंट्स को एडिट करने
उसके काम आता है और एंकर पॉइंट्स को ख़त्म करने के काम आता है। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सो कोई भी क्वेरी है सेम लाइक दैट, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप कोई भी कमेंट पास करना चाहें बिल्कुल आप कमेंट पास कर सकते हैं। सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टूल हमारा जो है वो पैन कर्वेचर टूल है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम इसको पॉपअप करेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इतना मास्टर कर दूँ इलस्ट्रेशन के अंदर कि आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें। सो इंशाल्लाह देखते रहिएगा लेक्चर्स को, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Told your friend you're not okay, and tell me what